आपका स्पेशल थाली के साथ स्वीट लस्सी बढ़िया फर्स्ट क्लास है। चिकन स्पेशल थाली, प्याज स्पेशल थाली और ये आपका रोस्टेड पापड़। एक कटोरी में आपका सैलेड आ गया सर और आपका खाना इतना टेस्टिंग है, ये नहीं है कि दिखाने के लिए, खाकर देखिएगा फिर यूट्यूब पर आप वीडियो वायरल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जस्ट रेस्ट फर्स्ट पे। अब दोबारा हम आ चुके हैं एक और नई डेस्टिनेशन पे। अभी हम जो रिसेंट में अभी खड़े हुए हैं ये है कुरुक्षेत्र। इसका एम्बियंस देखिए बहुत प्यारा बना रखा है, जो व्यू है सीटिंग अरेंजमेंट के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी जो इसका सीटिंग अरेंजमेंट है फैमिली के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस रूट से कभी भी आते हो तो आप यहाँ पर स्टे करके रुक सकते हो थोड़ी देर के लिए, अपनी फैमिली के साथ में कुछ भी खा सकते हो। वेज और नॉन वेज दोनों ही वैरायटियाँ हैं यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत प्यारा व्यू जिसे कहते हैं ना, वो क्लियरली आप यहाँ पर बैठ करके एंजॉय अपना मील कर सकते हैं। बाकी हम अपना ऑर्डर लगवाते हैं, आपको मेकिंग भी दिखाते हैं। जो हमारी वेज और नॉन वेज थाली है वो रेडी हो चुकी है। आप ये देख सकते हो कितना बिग ब्रांड जैसा लग रहा है मेरे को देखने में। इनमें क्वांटिटी आप एक बार देखोगे, इतनी बेहतरीन तरीके से क्वांटिटी डाली हुई है कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो इसका प्राइस रखा गया है एक सेट करके उसी क्वांटिटी के हिसाब से ही प्राइस बहुत बेस्ट है। ठीक है, आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। ये हमारी दाल मखनी है और इसके साथ में राइस है। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा अपनी दाल मखनी। दाल मखनी का टेस्ट जो है ना ही ज़्यादा स्पाइसी है, एक नॉर्मल टेस्ट जो होता है इसके अंदर, जो हर कोई खा सके इजीली। ना ही इसके अंदर मसाले ज़्यादा ऐड ऑन कर रखे हैं। मैं तो कहूँगा अपने घर जैसा बिल्कुल जो स्वाद आता है वो है इसके अंदर। बेस्ट ये है कि अंदर जो बटर डाल रखा है उसकी वजह से इसका स्वाद बढ़ चुका है और भी। ठीक है, नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा अपना शाही पनीर। आप एक बार देख ही सकते हैं शाही पनीर के पीसेस बहुत बेहतरीन तरीके से रखे हुए हैं। शाही पनीर जो इन्होंने बना रखा है उसकी जो ग्रेवी है बहुत प्यारी ग्रेवी बना रखी है, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मैं ट्राई करता हूँ। नॉन वेज के साथ साथ इसको वेज भी किया हुआ है। ठीक है, नॉन वेज प्लस वेज, ठीक है, दोनों ही वैरायटीज़ के अंदर ऐड ऑन की हुई है। कढ़ाई पनीर में सबसे पहले यही, इसके अंदर सारी चीज़ें डाली हुई है, शिमला मिर्च हो गई, हमारी प्याज हो गई, सारी जितने भी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो सारी हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर ये जो ऐड ऑन किया जाता है ना सारी चीज़ों में शाही कढ़ाई पनीर के अंदर, इससे इनका स्वाद और बढ़ जाता है इसका। ठीक है, मसाले बिल्कुल नॉर्मल है, स्पाइसी ज़्यादा नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑन पे हम आ चुके हैं अपना जो फाइनली है, जो कोई भी ऐसे करके खाना पसंद करेगा वो है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले चिकन, आप इसके पीसेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे पीसेस हैं इसके अंदर, ये देखिए। बाकी जो इसकी बहुत सॉफ्ट है यार, ये देखिए, ईजी टूट रहा है ये। रियल में जिस चीज़ की मुझे अभी तक तलाश थी वो यही है, वेज नॉन वेज। मैं बताऊँगा नॉन वेज बहुत ही अच्छा है।
बाकी मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, टेस्ट तो मैं कर ही चुका हूँ, व्यू आपने देख ही रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से बेस्ट व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर बैठ करके इजीली खा सकते हो, फैमिली के साथ भी आप खा सकते हो, ठीक है। अगर आपका अंदर बैठने का मन भी नहीं है तो आप अपनी कार में भी इजीली खड़ी करके आप इजी में बैठ करके ऑर्डर करके मंगा सकते हो और खा सकते हो। बाकी अगर आप फुल कपल्स और मतलब कुछ पार्टीज़ वगैरह भी कर सकते हो तो आपके लिए ये भी दे रखा है यहाँ पर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फुल्ली एसी है ये, देखो। आपका भैया क्या नाम है? हमारा सर अमरजीत नाम है। अमरजीत जी, आप मेरे को ये बताएंगे, अगर यहाँ पर जो आपके पास वैरायटी तो बहुत सारी है, वेज और नॉन वेज में बहुत सारी वैरायटी है, बाकी ये जो यहाँ पे जो ये आपका रेस्टोरेंट है कितने टाइम से यहाँ पर है? अभी नए नए उद्घाटन हुआ इसका। अच्छा, अभी नए नए ही खुला है? 3 महीना हुआ सर। अच्छा, 3 महीने इसको खुले हुए हुआ है। बाकी आपने एम्बियंस बहुत प्यारा बना रखा है। अभी इसका काम चल रहा है, काम भी चल रहा है। अच्छा, अभी वर्किंग में है, अभी कम्प्लीटली हुआ नहीं है, बस वो सब चीज़ अपना रहेगा। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये मैं कहता हूँ पार्टी इंजॉयमेंट के लिए बहुत प्यारा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।